नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामप्रसाद और आज बात करने वाला हूं हर्षल गिब्स के बारे में। शराब पीकर खेली इस बल्लेबाज ने 175 रनों की आतिशी पारी, लेकिन होश उड़े विरोधी टीम के। यूं तो हर्षल गिब्स के साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन 12 मार्च 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहान्सबर्ग वनडे में एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में यानी बायोग्राफी में किया था। मैच फिक्सिंग में भी लिप्त रहे साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्षल गिब्स अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर विवादों में भी घिरे रहते थे। हालांकि उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाया, लेकिन वह स्कूल में रग्बी और फुटबॉल खेला करते थे। इन दिनों गिब्स गोल्फर और टीवी एनालिस्ट की भूमिका में नजर आते हैं। यूं तो इनके साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन 12 मार्च 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहान्सबर्ग वनडे में एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी में किया था। 12 मार्च 2006 को जोहान्सबर्ग वनडे में ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका के सामने 438 रनों का असंभव लक्ष्य रखा था, लेकिन हर्षल गिब्स की 175 रनों की वजह से साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ ये लक्ष्य हासिल किया बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया था। गिब्स ने 111 बॉल पर 21 चौके और 7 छक्के लगाए थे। हर्षल गिब्स का वनडे क्रिकेट में 175 रन सर्वोच्च निजी स्कोर है, जो कि उन्होंने नशे की हालत में बनाया था। इस बात का खुलासा गिब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में टू द पॉइंट द होल्डर्स वर्नेट और ऑटोग्राफी में किया था। इस बात का जिक्र ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी ने भी अपनी किताब में किया था। गिब्स ने कहा था कि उस मैच में पहले की रात मैंने काफ़ी शराब पी थी और मैच वाले दिन जबरदस्त हैंगओवर था। साउथ अफ्रीका के लिए गिब्स ने 248 वनडे मैचों में 21 शतक की सहायता से 8094 रन बनाए और वह तीसरे सफल बल्लेबाज हैं, जबकि 90 टेस्ट में उनके नाम 6167 रन दर्ज हैं। टेस्ट में वह अफ्रीका के छठे सफल बल्लेबाज हैं। वहीं उन्होंने 23 T20 मैचों में 400 रन बनाए हैं। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले हर्षल गिब्स दुनिया के इकलौती खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह कारनामा 2007 विश्व कप में नीदरलैंड के गेंदबाज बान बुगे के एक ओवर में सभी गेंदों पर छह छक्के जड़े थे। बुगे ने इसके बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। यह दमदार बल्लेबाज 2000 में उन्होंने तत्कालीन कप्तान हेंसी क्रोनी के कहने पर मैच फिक्सिंग की थी। इस बात का खुलासा गिब्स ने अपनी किताब में किया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि 1996 में भारत दौरे पर भी हेंसी ने मैच फिक्सिंग की पेशकश की थी। फिक्सिंग के लिए गिब्स पर लाइव बैन भी लगा था। विश्व क्रिकेट में शानदार फील्डिंग रहे गिब्स का निकनेम स्कूटर है। जी हाँ, एक इवेंट के दौरान खुद गिब्स ने खुलासा किया था कि जब मैं 16 साल का था तब मैं कार नहीं ड्राइव कर पाता था। तब पश्चिमी प्रांत के लोगों ने मजाक किया कि वे मेरे लिए स्कूटर खरीदेंगे। गिब्स ने अपनी गर्लफ्रेंड टेनियली पाबी के साथ 2007 में वेस्ट इंडीज के सेट किड्स में शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही दोनों के बीच अलगाव हो गया। इसके बाद गिब्स ने अकेले रहने का फैसला किया, यानी आज तक वह सिंगल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे ही प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। शुक्रिया देखने के लिए।